हेलो गाइस, दिस इज़ अल्टीमेट डॉट हेयर। मेरा नाम है सौरभ। आज आपके लिए विंडोज़ 10 का जो आईएसओ फाइल है वो आपको कहाँ से डाउनलोड करना चाहिए या कैसे डाउनलोड करना चाहिए वही दिखाएंगे इस वीडियो पे। पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र में, एंड क्रोम ब्राउज़र ओपन होने के बाद आपको टाइप करना है विंडोज़ 10 आईएसओ फाइल, देन करना है एंटर। उसके बाद देखिए डाउनलोड विंडोज़ 10 डिस्क इमेज ISO फाइल माइक्रोसॉफ्ट, आपको करना है इधर क्लिक, एंड माइक्रोसॉफ्ट का जो पेज है ओपन हो जाएगा। और उसका बाद देखिए विंडोज 10 एंड विंडोज 10 में कुछ अपडेट है ऊपर, उसका नीचे देखिए क्रिएट अ विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया, लेकिन इधर कहीं पे भी आपको शो नहीं हो रहा है विंडोज 10 का जो ISO फाइल है वो कैसे डाउनलोड करें। तो आपको एक बात बता दूँ, मैं अभी फिलहाल क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। आप दूसरे कोई ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो आपको जाना है राइट क्लिक करना है, उसके बाद आपको जाना है इंस्पेक्स पे, ठीक है। तो अभी तो क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो क्रोम का जो डेवलपर मोड है आपको उधर जाना है, एंड करना है आपको F12 क्लिक करना है, एंड F12 क्लिक करने के बाद आपको आना है सोर्स पे, ठीक है। इधर बहुत सारा मिल जाएगा एलिमेंट्स, पहले आपको एलिमेंट्स ही ऐसे ही खुलेगा, आपको आना है सोर्स पे, एंड सोर्स में आने के बाद आपको चूज़ करना है विंडोज 10। देखिए इधर एक विंडोज 10 का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको विंडोज 10 चूज़ करना है, उसके बाद आपको इधर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको करना है इसको रीलोड, हाँ रीलोड हो गया। उसके बाद देखिए ना, मेरा ना जो आया था विंडोज 10 का कुछ टूल्स आया था इधर, लेकिन इधर टूल्स नहीं आया है। और पहले आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, आई थिंक इतना स्मॉल दिखेगा, आपको कर लेना है इधर से 150% कर लिया, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद देखिए ना, मेरा इधर शो हो रहा है डाउनलोड विंडोज 10 डिस्क इमेज ISO फाइल, ठीक है। आपको क्या करना है, इधर एडिशन चूज़ करना है, सिलेक्ट एडिशन। मैं अभी देखिए इधर जो विंडोज 10 का जो मे में अपडेट आया था उसका भी ना विंडोज 10 का जो ISO फाइल है वो अभी आपको मिल जाएगा, और ये पुराना वाला है, ठीक है, वो नया वाला आया है। तो मैं फ़िलहाल तो यही यूज़ करूँगा विंडोज 10, देन आपको करना है कन्फर्म पे क्लिक। कन्फर्म करने के बाद आपको इधर आएगा कुछ लैंग्वेज चूज़ करने के लिए, एंड इंग्लिश इंटरनेशनल आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है, देन करना है कन्फर्म। देखिए कन्फर्म होने के बाद आपको सिंपली ना जो विंडोज़ का जो बिट होता है 64 बिट एंड 32 बिट, आप कौन सा बिट डाउनलोड करना चाहते हो, तो मैं 64 बिट यूज़ करता हूँ, एंड इधर करना है आपको क्लिक। उसका क्लिक करने के बाद ही तुरंत मेरा जो डाउनलोड है, डाउनलोड प्रोसेस, देखिए ISO फाइल का जो डाउनलोड प्रोसेस है वो चालू हो गया एंड डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं इसको दोबारा नहीं डाउनलोड करना चाहूँगा, एंड मैं इसको पॉज कर दूँ एंड कैंसिल। उसके बाद डाउनलोड होने के बाद आप सिंपली इसको ISO फाइल को बूट करके आप लोग यूज़ कर सकते हो। एंड मेरा चैनल पे अभी नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।